बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल, प्रिया संघ पूजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है? सर में दर्द बना ही रहता है, ज़्यादा बोल लेते हैं, ज़्यादा सोच लेते हैं तो सर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको करना क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको सर में दर्द होता है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, अगर महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स पर महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको पीपल का पत्ता दिखा देती हूँ। ये होता है पीपल का पत्ता। आपको बरगद का पत्ता नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बरगद और पीपल में फर्क नहीं कर पाते, तो आप देख सकते हैं ये होता है पीपल का पत्ता। तो आपको करना क्या है, पीपल के पत्ते पर आपको शहद से ओम लिखना है। यदि आपके पास देसी शहद हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको इस तरह से शहद से ओम लिखना है, पूरे अच्छे से शहद से ओम लिखिएगा, थोड़ा ज्यादा शहद लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद एक तांबे के पात्र में जल लेना है और चले जाना है मंदिर। जल अपने घर से ही भर के लेकर जाएं, मंदिर में जाकर या कहीं और से ना भरे। चलिए आगे क्या करना है, मंदिर में जाने के बाद आपको उस पत्ते को शिवलिंग पर समर्पित करना है। जिस साइड में आपने शहद लगाया है ना, उस साइड से ही आपको शिवलिंग पर पत्ते को समर्पित करना है। उसके बाद आपको वहां शिवलिंग के पास बैठ जाना है और श्रम्भेश्वर महादेव का जाप करना है। किसका जाप करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का जाप करना है। जाप करते जाना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारी परेशानी को दूर करो। यदि आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। अब उसके बाद आपने जो जल लिया है आपको उठना है और उस जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब जल जलाधारी होती है ना, उससे जब नीचे की ओर गिरता है तो आपको उसको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद जो आपने शिवलिंग पर पत्ता चढ़ाया हुआ है, उस पत्ते को आपको लेना है और जो यहाँ पर शहद लगा हुआ है उस शहद को आपको चाट लेना है, वहीं मंदिर पे ही बैठ के उस पूरे शहद को आपको खा लेना है। खाने के बाद जो आपने जल लिया है उस जल को दोनों ही ओर लगा, यहाँ पर सीने पे दोनों ही ओर लगाना है और उसके बाद आपको दोनों आंखों पर लगाना है और उसके बाद सर में लगाते हुए उस जल को ग्रहण कर लेना है। जल को ग्रहण करने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का जाप करना है, उनसे एक बार फिर से प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे मात्र 8 दिनों के अंदर ही आपको फायदा दिखने लगेगा। आप ऐसा देखेंगे कि आपको सर दर्द में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप दवा वगैरह ले रहे हैं या आप कोई इलाज कर रहे हैं तो उसको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उसके साथ ही करना है। वो कहते हैं ना, दवा और दुआ अगर आप एक साथ करते हैं तो वैसे ही लाभ मिलता है और महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है। तो ऐसा उपाय करना है। और पीपल के पत्ते को शनिवार को नहीं तोड़ा जाता, तो आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक, मतलब सूरज ढलने के पहले तक आप पत्ते को तोड़ सकते हैं। और पत्ता एकदम साफ सुथरा हरा ताजा होना चाहिए, सूखा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यह उपाय, आप यह उपाय अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। यदि आप अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको इसका लाभ जल्द ही मिलता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं टाइम हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपकी सभी परेशानियां दूर हों। मैं ऐसे ही उपाय आपके लिए लाती रहूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।